फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैविटी पोर्टल क्या होता है, सोफोस में कैविटी पोर्टल इनेबल कैसे करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। दोस्तों, मैं बेनिफिट्स के भी बता दूं कि कैविटी पोर्टल ओपन करने का क्या पर्पस होता है। बेसिकली हम इसे जो हमारे विजिटर होते हैं या कोई स्पेशल पर्सन होते हैं उनके लिए हम कैप्टिव पोर्टल इनेबल करते हैं और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। सपोज आपने कैप्टिव पोर्टल इनेबल नहीं किया है, आप किसी पर्टिकुलर यू नो आईपी को या टोटल जितने भी नेटवर्क में आईपी है सबको इनेबल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कंटिन्यूअस उसमें नेट चलता रहता है। जब भी कोई पर्सन लॉग इन करेगा उसमें ऑलरेडी नेट चलता मिलेगा, तो कोई भी एप्लीकेशन है, कोई थ्रेट है, तो वो आपके इंटरनल से एक्सटर्नल जो ट्रैफिक है ऑटोमेटिक वो सेंड करता रहेगा। जैसे कोई ब्राउजर है या अपडेट्स है या व्हाटएवर जो भी है, कुछ भी अगर नेट की उसको रिक्वायरमेंट है उस सिस्टम को, तो वो ऑटोमेटिक वो नेट से डेटा फेच करता रहेगा। बट कैविटी पोर्टल के केस भी क्या है, कैविटी पोर्टल के केस में जब तक कि आप अपना यूजर लॉग इन नहीं करते ब्राउजर पे, तब तक उस पर इंटरनेट नहीं चलेगा। या जैसे आपका काम खत्म हो जाता है, आप ब्राउजर को या अपने यूजर्स को ब्राउजर से लॉग आउट कर देंगे, तो उस समय आपका सिस्टम इंटरनेट के कॉन्टेक्ट से बिल्कुल डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो मेन फायदे होते हैं वो दोस्तों ये होते हैं, इंटरनेट हमारी जो बैंडविड्थ है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो पाती है, हम पर्टिकुलर यूजर को पर्टिकुलर यू नो स्पीड असाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो यूजर है, सपोज उस मान लो एक एचआर डिपार्टमेंट का यूजर है, उसको सिर्फ और सिर्फ यू नो बैंक की साइट चाहिए और नौकरी पोर्टल की साइट चाहिए, मतलब हायरिंग से रिलेटेड साइट चाहिए, तो सब सिर्फ और सिर्फ हम वही अलाउ करेंगे अब पर्टिकुलर बैंडविड्थ पे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इसमें कैप्टिव पोर्टल कैसे इनेबल करते हैं। तो हम फायरवॉल पे आ चुके हैं, इसमें हम अपना यूजर लॉगिन कर लेते हैं। हमारे फायरवॉल की जो आईपी है 172.16.16.16, ये डिफॉल्ट आईपी होती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, ये डिफॉल्ट आईपी होती है और जिसका पोर्ट 4444 होता है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, बट किसी और वीडियो में देखेंगे कि इसको कैसे चेंज करनी है, राइट। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं अपनी फायरवॉल में। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद पॉलिसी क्रिएट करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा इंटरनेट चल रहा है इसमें या नहीं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं पहले कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। नहीं चल रहा, yahoo.com नो, gmail.com तो नहीं चल रहा, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, इसमें एक पर्टिकुलर यूजर्स का यूजर अकाउंट बनाना है, राइट, और उसको हमें परमिशन असाइन करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें कैप्टिव पोर्टल में आना है, सबसे पहले हम यूजर्स बना लेते हैं कि कौन से यूजर्स को अलाउ करना है। तो हम आ जाते हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर एक यूजर्स बनाएंगे, आएंगे यूजर्स के अंदर, एक यूजर बना था हमने, हटा दिया, ठीक है, हमने एक यूजर्स बनाना है। चलिए हम यूजर्स बना लेते हैं, सपोज कोई पर्सन है साहिल, कोई यूजर्स है जिसका नाम साहिल है, उसके नाम से हम कैप्टिव पोर्टल बना रहे हैं। साहिल सिंह, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी साथ डाल सकते हैं, फुल इंटरनेट एक्सेस, अलाउ फुल इंटरनेट एक्सेस, राइट। वो यूजर्स किस टाइप का होगा, यूजर हो सकता है या एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है। तो हमने जस्ट यूजर रखना है, पासवर्ड हम इसका सेट कर देते हैं, जो भी पासवर्ड आपको सेट करना है, राइट, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, राइट, ग्रुप, अगर आपको कोई नया ग्रुप असाइन करना है, बनानी है, तो उस आप नया ग्रुप में बना सकते हैं। मैं अभी जो अवेलेबल ग्रुप है, जो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल ग्रुप होता है, चलिए मैं इसमें रख देता हूँ, ओपन ग्रुप में। सर्फिंग कोटा अनलिमिटेड होगा। एक्सेस टाइम, क्या एक्सेस टाइम इस पर्टिकुलर यूजर्स के लिए कुछ सेट करना चाहते हैं कि कब कब यो यूज करें, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऑल टाइम अलाउ कर सकते हैं। तो मैंने ऑल टाइम अलाउ कर दिया है। नेटवर्क ट्रैफिक, आप उसको पर्टिकुलर पर्सन को क्या कोई बैंडविड्थ असाइन करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस ये जो यूजर है साहिल, वो 100 एमबी के डेटा से भेजे, डेली 10 एमबी भेजे, यानी जो कम्युनिकेशन होती है डाउनलोडिंग अपलोडिंग, जो ब्राउजिंग होगी, वो पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 100 एमबी दे दिया, तो 100 एमबी जैसे पूरा हो जाएगा उसका इंटरनेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, राइट। तो हम कोई कुछ असाइन नहीं करते हैं। ट्रैफिक सैपिंग, ट्रैफिक सैपिंग में आप इसमें लाइट लिमिट यूजर ये सेट कर सकते हैं कि ये किस टाइप का यूजर होगा आपका, ये कैटेगरीज है, तो मैं अभी नन छोड़ देता हूं इसको। अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है तो पॉलिसी इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये किसी और वीडियो में देखेंगे कि एसएसएल पॉलिसी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर यूजर को कौन सी पॉलिसी असाइन करनी है, राइट। L2TP लाइट इसको हम छोड़ देते हैं, इनेबल डिसेबल बाद में हम देखेंगे L2TP को, PPTP को, ठीक है। अदर सेटिंग, क्वारंटाइन नहीं करनी है, मैक एड्रेस बाइंडिंग करनी है या नहीं करनी है, अगर पर्टिकुलर इस यूजर की मैक बाइंडिंग करनी है कि ये जो यूजर है पर्टिकुलर पर्टिकुलर सिस्टम से ही लॉगिन करेगा तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, तो अगर ऐसा चाहते हैं तो आपको उस सिस्टम का मैक एड्रेस डालना पड़ेगा, यहाँ पे इनेबल करने के बाद मैक एड्रेस डालना है। नहीं चाहते कि वो कहीं भी कंपनी में किसी भी सिस्टम से लॉगिन करे अपने यूजर से और इंटरनेट यूज करे, डिसेबल ऑल करके रखते हैं, राइट, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यूजर्स ग्रुप एंड नोड ही करना है, एंड देन सेव, पासवर्ड कंफर्मेशन, ओके सॉरी, पासवर्ड राइट, यूजर नेम साहिल है और पासवर्ड जो भी आपने सेट किया है, ठीक है। यूजर साहिल सिंह हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, किसी किसी फायरवॉल में आप देखेंगे जो XG फायरवॉल होती है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे कैप्टिव पोर्टल दिखेगा, ठीक है, ये हायर वर्जन की फायरवॉल है, तो इसमें वेब ऑथेंटिकेशन, ठीक है, तो आपको आना है वेब ऑथेंटिकेशन पे। अगर किसी किसी में कैप्टिव पोर्टल है तो यहाँ पे कैप्टिव पोर्टल पे क्लिक करेंगे, तो इसमें जो वेब ऑथेंटिकेशन में बहुत सारी चीजें आती है, AD ऑथेंटिकेशन, AD SSO ऑथेंटिकेशन, एंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैप्टिव पोर्टल बिहेवियर। कैप्टिव पोर्टल बिहेवियर में आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन न्यू ब्राउजर विंडो, ठीक है, ओपन वेब ब्राउजर, ठीक है, साइन आउट, साइन आउट में आपको व्हेन कैप्टिव पोर्टल पेज इज क्लोज और रीडायरेक्ट यही सेलेक्ट करके रखना है। अगर आपने UN यूजर इज इन एक्टिव, अगर आपने ये कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे चेंज हो जाता है सेटिंग, ठीक है, तो ट्रैफिक फॉलो रिक्वायर टू कंसीडर द यूजर एक्टिव, इतना MB, इतना MB, तो व्हाटएवर, ये हमें नहीं करना है।
आपको सिंपल ये करके रखना है, व्हेन यूजर कैप्टिव पोर्टल पेज इज क्लोज आर रीडायरेक्टेड। दोस्तों अगर हम इसको चेक कर देंगे तो जो कैप्टिव पोर्टल है जो पर्सन यूज करेगा उसको HTTP के साथ ही यूज करना पड़ेगा, अगर इसको हम चेक मार्क कर देते हैं तो। अगर आप चाहते हैं जो कैप्टिव पोर्टल यूज हो उसको HTTPS से स्टार्ट करें तो आपको इसको अनचेक करना है, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपको जो भी प्रेफर लगता है, जो भी अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, राइट। एंड देन क्लिक अप्लाई, ये सारी सेटिंग होगी। अब बाकी इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कैप्टिव पोर्टल की सेटिंग देखनी है। अप्लाई एंड देन ओके, राइट। इसके बाद हम चलते हैं, एक पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी क्रिएट करेंगे। पॉलिसी क्रिएट करने के लिए रूल एंड पॉलिसी में आएंगे, यहां पर एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे, क्लिक ऐड फायरवॉल रूल एंड न्यू पॉलिसी रूल, ओके। तो हम ये देख देते हैं यहाँ पे, सॉरी, फुल इंटरनेट एक्सेस पॉलिसी, राइट। इसको ऑलवेज टॉप रखते हैं, जैसा कि हमें पता है कि जो फायरवॉल की जो पॉलिसी अप्लाई होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्लाई होती है, तो हमेशा जब भी पॉलिसी क्रिएट करेंगे उसे टॉप रखेंगे, राइट। ऑटोमेटिक की जगह हम नन कर देंगे, एक्सेप्ट एंड लॉग कि कोई भी एक्टिविटी होती है तो लॉग क्रिएट हो। सोर्स में हमारा जो यूजर्स होगा कहाँ से होगा, लैन के थ्रू होगा, लोकल एरिया नेटवर्क में हमारा बैठा होगा, यूज कर रहा होगा। सोर्स नेटवर्क डिवाइस एनी, कोई भी डिवाइस हो सकती है, या आप चाहते हो पर्टिकुलर यूजर्स का आईपी देना तो यहाँ पे भी आईपी असाइन कर सकते हैं। ड्यूरेशन टाइम एनी, डेस्टिनेशन अब इंटरनेट यूज करना है, इंटरनेट यूज करने के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा एक्सटर्नल, तो मैं यहाँ पे वैन सेलेक्ट करना है, क्लिक अप्लाई। डेस्टिनेशन नेटवर्क में एनी रखना है, सर्विस में एनी रखना है, चाहे तो आप इंटरनेट के लिए HTTP और HTTPS रख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट यूज करे, अदर कुछ भी ना यूज करे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, HTTP और HTTPS यूज करेंगे, HTTP एंड HTTPS, राइट। तो एनी को हटा के ये दोनों कर सकते हैं। आप चाहते हैं कोई भी सर्विस यूज करें, जैसे विंडो अपडेट करनी है या RDP लेनी है या व्हाटएवर कुछ भी करना है, तो आप एनी रखेंगे। अभी मैं एनी रख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे मेन चीज, आपको अगर कैप्टिव पोर्टल इनेबल कर रहे हैं, कैप्टिव पोर्टल यूजर बना रहे हैं, तो आपको मैच नॉन यूजर करना पड़ेगा, सेलेक्ट एंड इसको भी सेलेक्ट करेंगे, यूज वेब ऑथेंटिकेशन, वेब के थ्रू ऑथेंटिकेशन होगा। एनी की जगह हम चेंज करेंगे इसके, जो भी हमने यूजर्स बनाए हैं उसको ऐड करेंगे, हमने बनाया है साहिल, राइट। दैट्स करेक्ट। वेब फिल्टरिंग, अगर आपने कोई वेब फिल्टरिंग बनाई है इसके लिए पर्टिकुलर यूजर्स के लिए या कोई डिपार्टमेंट के लिए, तो आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहां पे हम करेंगे अलाउ ऑल वेब पॉलिसी। अदर सिक्योरिटी सेटिंग है एप्लीकेशन पॉलिसी, इसको भी अलाउ ऑल करेंगे, अगर आपने कुछ बनाई हुई है पर्टिकुलर तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अलाउ ऑल करेंगे। ये वेब फिल्टर पॉलिसी और एप्लीकेशन पॉलिसी की एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो उसमें हम कवर करेंगे कि वेब पॉलिसी क्या होती है, सॉरी वेब फिल्टरिंग क्या होती है और एप्लीकेशन फिल्टरिंग क्या होती है, ठीक है। एंड देन सेव, इसके बाद आप सेव कर देंगे, राइट। सेव, तो हमारी पॉलिसी बनके रेडी है दोस्तों, फुल इंटरनेट एक्सेस पॉलिसी लैन साहिल के लिए है और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क पे जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
ओके इसके बाद हम पोर्ट कैप्टिव पोर्टल ओपन करेंगे। तो दोस्तों कैप्टिव पोर्टल जो होता है उसकी जो डिफॉल्ट पोर्ट होती है, बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है 8090 होता है। तो कैप्टिव पोर्टल हमेशा लैन पे ही यूज करते हैं, लैन क्योंकि लैन में पर्सन बैठा होगा लोकल एरिया नेटवर्क में। तो हमने क्या करना है यहाँ पे https:// क्योंकि हमने चेक मार्क नहीं लगाया वहाँ पे, तो https लगाएंगे 172.16.16.16:8090 आपको लगाना कंपलसरी है, तभी आपको कैप्टिव पोर्टल ओपन होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैप्टिव पोर्टल ओपन हो चुका है। आप उस यूजर को यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है एंड पासवर्ड डाल देते हैं। दोबारा हम चेक कर लेते हैं अभी इंटरनेट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब चल रहा है नहीं चल रहा, तो चेक कर लेते हैं। देखिए नहीं चल रहा, ठीक है ओके चेक कर लेते हैं yahoo.com नहीं चल रहा। अब अगर कैप्टिव पोर्टल हमारा काम कर रहा है तो जैसे हम पासवर्ड डालेंगे हमारा इंटरनेट चलना चाहिए। तो ये देखिए कैप्टिव पोर्टल लॉगिन हो चुका है यूजर्स का। बट आपको ध्यान रखना है कि इस ब्राउजर को बंद नहीं करना है जब तक कि आपको इंटरनेट यूज करना है, राइट। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा याहू चला या नहीं चला। तो देखिए ट्राई कर रहा है, यस। अब देखिए इंटरनेट मतलब हमारा चल पड़ा है। अब ये पर्सन साहिल कुछ भी यूज कर सकता है जब तक कि ये कैप्टिव पोर्टल को लॉग आउट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि इसने लॉग आउट कर, अभी काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, उसने क्या किया साइन आउट कर दिया। साइन आउट करते ही आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। चेक कर ले, ठीक है देखिए नहीं चल रहा, बंद हो गया याहू। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि कैप्टिव पोर्टल क्या होता है, उसका बेनिफिट्स क्या होता है और कैसे उसे कॉन्फिगर करते हैं। अगर इसके बाद भी आप लोगों की कुछ क्वेरीज है रिलेटेड कैप्टिव पोर्टल तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आप लोगों को अगर ये वीडियो आप लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर लें, सो दैट कि अगर मैं कोई लेटेस्ट वीडियो बनाता हूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए सो दैट कि वो भी इस अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।